नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल एवीटेक में। दोस्तों कई सारी बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही हैं, देख लेते हैं सारी अपडेट इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चयन बोर्ड को लेकर के। आप लोग जानते हैं TGT 2021 की भर्ती चयन बोर्ड द्वारा कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन कुछ ऐसी भर्तियाँ हैं पेंडिंग में जो पड़ी हुई हैं। जैसे TGT भर्ती 2016 में बायोलॉजी का जो रिजल्ट है वो पेंडिंग में है, 2011 का भी बायोलॉजी का रिजल्ट पेंडिंग में है, इसके अलावा प्रधानाचार्य भर्ती भी पेंडिंग में है। तो अब पेंडिंग भर्तियों का काम शुरू हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आज देर रात नोटिस जारी हुई थी, ठीक है। तो उसकी ये नोटिस है, यहाँ पर जो नोटिस है ये बायोलॉजी रिजल्ट से संबंधित है। 2016 बायोलॉजी TGT की जो परीक्षा 31 जुलाई को हुई थी और इसकी फाइनल उत्तर कुंजी जारी कर दी गई, साथ में इसकी लिखित परीक्षा का परिणाम भी जारी कर दिया गया है। आप लोग इस परिणाम को ऑफिशियल वेबसाइट के साथ साथ हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com से चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, इसका जो इंटरव्यू का शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया गया है। 30 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर तक TGT बायोलॉजी 2016 का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू शेड्यूल भी जारी कर दिया गया, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये एक दूसरी नोटिस है जो कि इंटरव्यू से संबंधित है। यहाँ पर देख के लिखा हुआ है कि 1/2016 TGT जीव विज्ञान की लिखित परीक्षा 31 जुलाई को हुई थी, तो अब उसका जो परिणाम है जारी हो चुका है। और इंटरव्यू शेड्यूल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, 30/11 से लेकर के 2/12 के बीच में शेड्यूल्ड है। अभ्यर्थियों को सुबह 8 बजे पहुँचना है, सुबह वाले अभ्यर्थियों को, और शाम मीटिंग जो अभ्यर्थी होंगे उनको 12 बजे पहुंचना होगा, 2:30 बजे के अभ्यर्थियों को, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको ले जाने होंगे, वहां पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अगर यहां पर आप लोग देखें तो आपका जो है पूरे यहां पे इंटरव्यू दिया गया है कि कैसे कैसे किस दिन आपका इंटरव्यू होगा। जैसे यहाँ पर देखें तो पहला जो कैंडिडेट हैं ये दीपक कुमार जैन हैं, ठीक है, और इनका मॉर्निंग में इंटरव्यू बैच फर्स्ट में 30 नवंबर को सुबह 8 बजे से। इसी तरीके जितने अभ्यर्थी क्वालिफाइड हुए हैं लिखित परीक्षा के लिए, ठीक है, उसमें सारा कुछ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, किस अभ्यर्थी का इंटरव्यू किस दिन है और क्या शेड्यूल रहेगा, मतलब बैच क्या रहेगा, ठीक है। अब अभ्यर्थियों को अपने इंटरव्यू लेटर डाउनलोड करने पड़ेंगे। इंटरव्यू लेटर डाउनलोड करने के लिए आपको समस्त शैक्षिक दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे वेबसाइट पर। इसके बाद फिर आपको जो है वहाँ से इंटरव्यू लेटर आपका निकलेगा, इसके बाद फिर आप लोग इंटरव्यू लेटर लेकर के उपस्थित होंगे जिस दिन आपका इंटरव्यू लगाया गया है। तो इसके लिए आप लोग governmentjobcenter.com वेबसाइट का यूज कर सकते हैं, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। दूसरी बात करेंगे यहाँ पर हम लोग एडेड माध्यमिक इंटर कॉलेजों में क्लर्क के बारे में। दोस्तों एडेड माध्यमिक इंटर कॉलेजों में क्लर्क बनने के लिए अब जो इसकी भर्ती प्रक्रिया उसमें काफ़ी कुछ बदलाव कर दिया गया। यहाँ पर लिखित परीक्षा तो पहले भी थी, लेकिन वो फॉर्मेलिटी के तौर पर होती थी, डिपार्टमेंट द्वारा या मैनेजर द्वारा खाना पूरी करके भर्ती कर ली जाती थी। लेकिन अब बड़ा बदलाव ये कर दिया गया है कि अब आपकी जो लिपिक की भर्ती होगी पेट के आधार पर होगी, ठीक है। आप लोग जानते होंगे UP SSC द्वारा पेट परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष 24 अगस्त को पहली बार पेट परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसका रिजल्ट वगैरह भी जारी हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए, अब बताया गया कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पेट में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हैं वही अभ्यर्थी लिपिक के लिए आवेदन कर सकते हैं, अदरवाइज आवेदन नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, साफ तौर पर दिया गया है कि अब जो है जो जुगाड़ करके लिपिक भर्ती होते थे, ठीक है, खासकर जो मैनेजर और होते थे DIAS से आपस में मिली भगत करके यहाँ पर जुगाड़ वगैरह से बंद भर्ती हो जाते थे, वो सारा कुछ अब खेल ख़त्म हो गया। लिखित परीक्षा यानी पेट में आपको 50% अगर नंबर हैं या उससे ज़्यादा तभी यहाँ पर आप लोग आवेदन कर पाएंगे। और साल में एक बार पेट परीक्षा का आयोजन होता है, इस साल की पेट परीक्षा तो निकल चुकी, अगर आपने आवेदन किया होगा पास में 50% या उससे ज़्यादा है तो आप आवेदन कर पाएंगे, अदरवाइज आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, आपको अगले साल के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। और आपको बता दें यहाँ पर पेट परीक्षा में जो जैसे सपोज़ करो वैकेंसी सपोज़ करो 1000 है और पेट परीक्षा में 10000 अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया, तो फिर पेट का जिसका हाई नंबर होगा उसके हिसाब से हाई टू लो मेरिट बनेगी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि पद के सापेक्ष आवेदकों की PT के अंकों के आधार पर मेरिट बनेगी, एक पद के सापेक्ष 10 अभ्यर्थियों को टाइपिंग परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। यानी जितने भी अभ्यर्थी आवेदन करेंगे पेट क्वालिफाई अभ्यर्थी,
ठीक है, उनमें से 10 गुना अभ्यर्थियों को टाइपिंग परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, टाइपिंग परीक्षा जो अभ्यर्थी कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों को एक पद के सापेक्ष में बुलाया जाएगा, और जो इंटरव्यू होगा एक 5 सदस्यीय गठित कमेटी आपका इंटरव्यू लेगी, जिसमें आपके कॉलेज का प्रबंधक भी होगा और इसके अलावा जिला विद्यालय निरीक्षक का प्रतिनिधि भी होगा, सेवा योजन अधिकारी होगा, पॉलिटेक्निक का प्राचार्य होगा और जिलाधिकारी की ओर से नामित एक SC ST OBC वर्ग का अधिकारी होगा या सदस्य होगा। ठीक है, तो 5 सदस्यीय कमेटी आपका इंटरव्यू लेगी, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा, उसके आधार पर आपका चयन होगा। कुल मिलाकर के लिपिक की भर्ती काफ़ी टफ कर दी गई है। अच्छा, फाइनल मेरिट कैसे बनेगा, उसको यहाँ पर दिया गया है कि 80% आपका PT का स्कोर जोड़ा जाएगा और 20% आपके इंटरव्यू के नंबर जोड़े जाएंगे, उसके आधार पर फाइनल मेरिट आपकी बनेगी। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कैसे आपकी परीक्षा होगी। बात करेंगे पुलिस भर्ती कांस्टेबल को लेकर के, तो उत्तर प्रदेश में 25,000 कांस्टेबल के पदों पर भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। 17 नवंबर आज की यही अपडेट है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि पुलिस भर्ती जो है जल्द आएगी। कुछ दिनों पहले DGP मुख्यालय ने इन पदों पर भर्ती का अधियाचन बोर्ड को भेजा था, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस माह या अगले माह तक पुलिस में कांस्टेबल की बम्पर वैकेंसी निकलने वाली है। बताया जा रहा है कि कांस्टेबल भर्ती के लिए 12वीं पास योग्यता मांगी जाएगी, 18 से 22 वर्ष तक इसमें एज भी रखी जा सकती है। जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको 5 वर्ष की यहाँ पर छूट भी दी जा सकती है। बात करेंगे UP TET के एडमिट कार्ड को लेकर के, दोस्तों अपडेट मिल रही है यहाँ पर कि UP TET के एडमिट कार्ड जो है फिलहाल आज नहीं आएंगे। वैसे तो तय शेड्यूल के अनुसार आज आपका UP TET का एडमिट कार्ड आना था, ठीक है, 17 नवंबर को एडमिट कार्ड आना था, लेकिन जो अभी रिपोर्ट मिल रही है उसके अनुसार एडमिट कार्ड जो UP TET का है वो आप 19 नवंबर को आने की संभावना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से रिपोर्ट दी गई, बिल्कुल अभी अभी की रिपोर्ट है, और लिखा है UP TET एडमिट कार्ड 2021 लाइकली ऑन November 19 ही इज हाउ टू डाउनलोड हॉल टिकट। यानी हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो 19 नवंबर को जारी होने की सूचना मिल रही है, और बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट 17 नवंबर शाम 6 बजे की ये अपडेट ट्विटर के माध्यम से अपडेट किया गया है। तो फिलहाल ये जो एडमिट कार्ड है आप लोग हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे एडमिट कार्ड आएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी। आपको बताना चाहेंगे कि UP TET की पूरी टेस्ट सीरीज जो है हमारे संस्थान द्वारा जारी की गई है, AVTECH ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऐप के माध्यम से आप लोग अपना UP TET की तैयारी कर सकते हैं, अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, सीधा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, सारा कुछ आप लोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर governmentjobcenter.com पर जाएंगे तो वहाँ पर टेस्ट सीरीज का एक ऑप्शन है, वहाँ से जा करके भी आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। बात करेंगे एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के रिजल्ट को लेकर के, आप लोग जानते हैं इसका रिजल्ट जारी हो चुका है, इस रिजल्ट में काफ़ी विवाद चल रहा है और यहाँ पर मामला धांधली का भी काफ़ी जो है तूल पकड़ रहा है। आपको बता दें एडेड जूनियर हाई स्कूल के रिजल्ट में उन अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोक दिया गया जिन्होंने 2 सब्जेक्ट भर दिए हैं या सीरीज भरने में गलतियाँ की हैं। इस तरीके से बहुत सारे अभ्यर्थियों द्वारा बताया जा रहा है कि रिवाइज उत्तर कुंजी से मिलाने पर जो उनके मार्क्स हैं जो रिजल्ट जारी हुआ उसमें 3-4 मार्क्स कम आ रहे हैं। ऐसा एक अभ्यर्थी की समस्या नहीं हो रही, ऐसी कई अभ्यर्थियों के साथ समस्या हो रही है। और अब दोस्तों एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती मामला धांधली का काफ़ी तूल पकड़ रहा है, कई सारे सोशल मीडिया पर जो इस समय जो डॉक्यूमेंट्स वायरल हो रहे हैं उनके अनुसार एक ही परिवार के 3-3 अभ्यर्थी टॉपर की लिस्ट में हैं, एक ही परिवार के 3-3 जो अभ्यर्थी हैं वो टॉपर की लिस्ट में हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि यहाँ पर जमकर धांधली हुई है। इसके अलावा यहाँ पर भी आप लोग कुछ प्रूफ देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए आप लोग प्रशांत किशोर पांडे जो News 18 के संवाददाता हैं आप लोग जानते होंगे, इन्होंने एक छात्र के बारे में यहाँ पर लिखा है, देखिए लिखा है PT में 38 नंबर, अभी PT की परीक्षा हुई थी उसमें इस छात्र को 38 नंबर मिले हैं, 2019-69 शिक्षक भर्ती में 64 नंबर मिले हैं और जूनियर एडेड की शिक्षक भर्ती में इनको 145 नंबर मिले हैं, यानी टॉपर की श्रेणी में हैं। तो कोई अभ्यर्थी जब इतना ख़राब बैकग्राउंड होगा उसका तो 145 नंबर आना
जूनियर शिक्षक भर्ती बहुत बड़ी बात है। ऐसे में यहाँ पर पूरी आशंका है कि जो है यहाँ पर धांधली हुई, इसके रिजल्ट आप लोग दे सकते हैं। यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर रिजल्ट भी जारी किए गए और इनको आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, ठीक है। बंटी पांडे वैसे इनको नाम से चर्चित हैं, लेकिन राकेश कुमार पांडे इनका ओरिजिनल नाम है। और यहाँ पर सुपर डेट की आप लोग मार्कशीट भी दे सकते हैं। इस समय ट्विटर पर और हर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ये वायरल हैं और जो है विभिन्न अधिकारियों से, मुख्यमंत्री से, शिक्षा मंत्री से इनकी जांच कराए जाने की मांग चल रही है। युवा मंच द्वारा इस पर मुद्दा उठाया गया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने जूनियर एडेड विद्यालय शिक्षक भर्ती धांधली के लग रहे गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच के लिए मुख्यमंत्री को पत्र व ईमेल पर ट्वीट किया हुआ ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि युवा मंच लगातार परीक्षाओं में धांधली के विरुद्ध मुहिम चला रहा है। 78 दिनों से संचालित रोजगार आंदोलन में भी इसे प्रमुखता से उठाया गया है। विधानसभा चुनाव में चयन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद खत्म करने का वादा भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, लेकिन आज न सिर्फ भ्रष्टाचार बदस्तूर जारी है बल्कि नकल माफियों का संरक्षण के भी आरोप सरकार पर लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए जूनियर एडेड हाईस्कूल शिक्षक भर्ती में एक ही परिवार के 3 सदस्यों का शीर्ष में काबिज होना और उनका प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 69 शिक्षक भर्ती में औसत अभ्यर्थियों से भी कम अंक अर्जित करना धांधली का गंभीर मामला है। सोशल मीडिया पर इस तरह के कई सारे मामले वायरल हैं और इनकी जाँच कराने के लिए उन्होंने पत्र लिखा है। तो दोस्तों ये हो गई सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में धांधली हुई है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।